भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे पूरी तरह से बिखरती नजर आई। आपको बता दें कि पहली पारी में 400 रन बनाकर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 223 रनों की बढ़त दी, लेकिन दूसरी पारी में अश्विन के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम बेबस नजर आई और एक के बाद एक लगातार अपनी विकेट गंवाती नजर आई। ऑस्ट्रेलिया का 20 ओवर में ही इतना बुरा हाल हुआ कि टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को जाते हुए देखा, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पंजा खोलते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। पहली पारी में जहां रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन ने अपने टेस्ट करियर का एक और पंजा खोला। लेकिन इसी के साथ रविचंद्रन अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया। आपको बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इतिहास में रविचंद्रन अश्विन अब दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने इस मामले में पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन को पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों ही गेंदबाजों के नाम 95-95 विकेट है। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पीटर हैंडसकॉम का विकेट निकालते हुए BGT यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 96वां विकेट निकाला और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। पहली पारी में भी रविचंद्रन अश्विन एक बड़ा इतिहास अपने नाम कर चुके हैं। बता दें कि भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ऐसे दूसरे गेंदबाज बने जिन्होंने 450 विकेट अपने नाम किए। लेकिन अश्विन इस पूरी ही सूची में अनिल कुंबले से दोनों बार पीछे रहे हैं। भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। वहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी अश्विन कुंबले से ही पीछे हैं। कुंबले के खाते में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुल मिलाकर 111 विकेट हैं। यानी कि अगर अश्विन लगातार इसी तरह से गेंदबाजी कराते रहे तो चौथे मैच के बाद अश्विन कुंबले को इस रिकॉर्ड में पीछे छोड़ देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।